हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास मैकबुक एयर है और ये ऑन नहीं हो रहा है। डीसी पे 18 वोल्ट 5 एम्पीयर रखा हुआ है। हम देखेंगे कितना इस कंज्यूम करता है करंट और इसको ऑन करेंगे। हंड्रेड से रिटर्न मार दे रहा है ये, तो शायद इसकी 3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट हो सकती है 3.3 की, या तो PPGDTH कुछ तो शॉर्ट होगा। तो हम इसका मदरबोर्ड ओपन करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। मदरबोर्ड हमने ओपन कर लिया और इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ मॉस्फेट के पास किसी ने मॉस्फेट चेंज किया है या तो कुछ किया है, यहाँ फ्लक्स वगैरह है। क्लीन कर लेंगे इसको, ये ठीक दिख रहा है, और देखते हैं कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और ऑलमोस्ट सब फ्रेश ही दिख रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्रोजन है कि ये LDO लग रहा है मुझे, LDO ये इसमें ब्लास्ट हुआ है थोड़ा सा, तो इसको निकाल के देखेंगे कि क्या है अंदर। और ये ब्लोअर से निकाल रहे हैं। हीट है हमारी 400, रजिस्टर एकदम गल सड़ गया है क्रोजन से, एकदम डैमेज हो गया है। आईसी के नीचे भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि ये आईसी जो ये LDO चल जाएगी। क्लीन करेंगे इसको। हमने अभी इसको देखा है इसका डायग्राम स्कैमेटिक में, तो ये जो लाइन है ये 3.42 वोल्टेज की लाइन है, G3H जिसको बोलते हैं वो, मतलब पावर कनेक्ट होते ही ये जनरेट हो जाता है। तो आईसी तो चल जाएगी, लेकिन जो रजिस्टर है वो पूरा ही डैमेज हो चुका है, तो रजिस्टर हमें दूसरा डालना पड़ेगा। और पहले हम इसको अच्छे से, जो पैड है ना वो ब्लैक हो गया है तो रजिस्टर चिपकेगा नहीं ना, तो पहले बहुत अच्छे से क्लीन करना होगा और इसको स्क्रैच करके साइन करना पड़ेगा, तभी जाके रजिस्टर इस पर चिपक पाएगा, मतलब माउंट हो पाएगा। तो स्क्रैच कर लिया इसको, और इसमें क्या है कि अब रजिस्टर दूसरे बोर्ड से हमें निकालना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, पावर गुड सिग्नल जनरेट इसी के थ्रू होता है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको 3.42 वोल्टेज आना चाहिए इस रजिस्टर पे, मतलब कि ये सर्किट कंप्लीट वर्क कर रही है, तभी इस रजिस्टर पे वोल्टेज आएगा। तो अपन आईसी मेरे को ठीक लग रही है, आईसी मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसी ठीक है, इसीलिए मैं आईसी नहीं चेंज कर रहा हूँ। पहले हम बस मैंने आईसी रिमूव की है, क्लीन किया है उसको, और थोड़ा सा उसको लेड बड़ा किया है जिस वजह से कि वो आराम से माउंट हो जाए। और ये दूसरा बोर्ड है, इसमें से हम लोग है ना रजिस्टर निकालेंगे। ये निकाल लिया रजिस्टर दूसरे बोर्ड से और इसको इसमें लगाएंगे। वो रजिस्टर नहीं यूज कर सकते थे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्रोजन खा के डैमेज हो गया था, टूट जैसा ही गया था। और बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है ये, बूट अप नहीं होने देता ये जल्दी से, मतलब ये बूट अप ही नहीं होने देगा। अगर ये सर्किट वर्किंग नहीं है तो बूट अप नहीं होगा। जहाँ जहाँ भी 3.42 वोल्टेज जाते हैं वो यही जनरेट करता है LDO। तो बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, वो चाहिए ही होता है। पता नहीं वो जिस टेक्नीशियन के पास भी गया होगा उसने क्या सोचा और वो मॉस्फेट चेंज किया। वैसे काम गलत नहीं किया गया था, ठीक ही था काम, तो उसका कोई गलत काम नहीं किया था उसने। हम भी देख लेते हैं कि क्या होता है। हमने सारे वोल्टेज चेक किए थे जो कि ऑलवेज बनने वाले हैं, तो उसमें कुछ वोल्टेजों में थोड़ा वेरिएंट था, इसीलिए हमने फिर स्कैन किया इसको, फ्लक्चुएशन था कुछ वोल्टेजों में। अभी आप देखो मैंने आईसी वही लगाई है, बदली नहीं है, खाली ओनली रजिस्टर चेंज किया है। तो रजिस्टर चेंज कर दिया और आईसी वही है। तो अच्छे से क्लीन कर लेना है बिकॉज़ ये फ्लक्स जो है ना ये प्रॉब्लम देता है सर्किट को, वो डाटा लाइंस को है ना बहुत प्रॉब्लम देता है, इसीलिए बहुत क्लीनिंग रखना है। आइए देखते हैं ऑन होता है कि नहीं। तो ये हमने फिक्स कर दिया है मैकबुक, ये 250 एम्पियर पे स्टक था और इसमें किसी ने थोड़ा बहुत छेड़ा था, लेकिन हमने इसको फिक्स कर दिया है और सब चेकिंग वगैरह भी कर लिया है, हर चीज़ एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और इसको थोड़ा बहुत किसी ने प्ले किया था इसके साथ मॉस्फेट वगैरह के साथ, लेकिन इतना ज़्यादा भी ख़राब नहीं किया था, इसलिए ये बन गया।
देखते हैं कि और सब चलता है कि नहीं चलता है। ओके, ऑल वर्किंग है, साउंड वगैरह भी आ ही रहा होगा, देखते हैं फिर भी। If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, marketing, finances, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।